गाइस यूट्यूब ने अपने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर एक बहुत ही बड़ा अपडेट दिया है। अगर आप यूट्यूब पे एक कंटेंट क्रिएटर हैं तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या कहती हैं और किस तरह से आपके चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है। बहुत ही बड़ा अपडेट आया है आज ही, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ कि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसीज में क्या चेंजेस किए हैं और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ, क्योंकि हम इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, पहले क्या होता था, अगर आप YouTube की गाइडलाइन को वायलेट करते थे, जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसको वायलेट करते थे, पहले तो मैं आपको बता दूं कम्युनिटी गाइडलाइन होती क्या है जिसको आप वायलेट कर सकते हैं। अगर जैसे कि अगर आप कोई सेक्सुअल कंटेंट डालते हैं अपने चैनल पे, या कोई ऐसा हेटफुल कंटेंट डालते हैं, या कोई किसी रिलीजन को जो हेट मतलब डायरेक्ट अटैक करता है, ऐसा कोई आप कंटेंट अपने चैनल में डालते हैं, अपने वीडियोज में बनाते हैं ऐसा कोई कंटेंट, तो ये सारी चीज़ें कम्युनिटी गाइडलाइन को जो है वायलेट करती है YouTube की। ऐसे में क्या होता था, आपके चैनल पे एक स्ट्राइक आने का खतरा रहता था, YouTube आपके चैनल पे स्ट्राइक डाल देता था और आप 90 दिनों तक उस स्ट्राइक को हटा नहीं सकते, मतलब 90 दिनों तक वो स्ट्राइक आपके चैनल पे रहती थी। उसे कहते थे हम कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। लेकिन अब क्या कर रहा है YouTube ने, इसमें अपडेट अब जो अब चेंजेस किए हैं, अब अगर कोई कंटेंट क्रिएटर YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करता है तो उसमें पहले YouTube उसके पास एक ईमेल भेजता है, ईमेल में एक नोटिस होता है, इसमें लिखा होता है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करने की कोशिश की है, आपका जो वीडियो है वो फौरन YouTube चैनल से हटा दिया गया है, आपका जो वीडियो होगा YouTube ऑटोमेटिक डिलीट कर देगा अपने उस आपके चैनल से, और आपको एक लिंक आएगा जिसमें कि YouTube की गाइडलाइन को पूरा पढ़ने के लिए आपको बताया जाएगा। इसमें मतलब ये कहेगा YouTube आपको कि ये आपकी पहली गलती थी, इसमें आपको हम सिर्फ वार्निंग दे रहे हैं, आप इन गाइडलाइंस को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए ताकि आपसे आगे ऐसी गलती ना हो। तो एक तरह से ये है कि अगर आप YouTube गाइडलाइन को मतलब कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट भी करते हैं तो पहले आपको डायरेक्ट स्ट्राइक नहीं लगेगा, जो कि पहले लग जाता था, अब आपको एक वार्निंग मिलेगी और उसके साथ साथ ये कहा जाएगा आपसे कि आप पहले जो गाइडलाइन है वो अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आप गलती करते हैं तो क्या होगा, फिर आपके पास एक स्ट्राइक आ जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। ऐसे में आपके चैनल के साथ एक ये होगा कि 7 दिन तक आपकी अपलोडिंग बंद कर दी जाएगी और 90 दिनों तक आपकी स्ट्राइक रहेगी, और साथ ही साथ 90 दिनों के लिए आपकी लाइव स्ट्रीमिंग भी बंद कर दी जाएगी। मतलब अगर पहला स्ट्राइक आपके चैनल पर लगता है तो आप 7 दिन तक कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी अपलोडिंग बंद हो जाएगी और 90 दिनों के लिए आपकी लाइव स्ट्रीम बंद हो जाएगी। फिर अगर आपके चैनल पे एक 90 दिनों के बीच में कोई और स्ट्राइक आ जाती है, दूसरी स्ट्राइक, तो तब क्या होगा, तब आपके चैनल की जो अपलोडिंग है वो 14 दिनों के लिए यानी 2 वीक के लिए बंद कर दी जाएगी और आपका लाइव स्ट्रीम बंद रहेगा 90 दिनों के लिए। उसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरते, फिर आप एक गलती करते हैं, फिर आपके चैनल पे स्ट्राइक आती है, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका चैनल कम्प्लीटली टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आप अपने चैनल के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, आपका चैनल ही नहीं दिखेगा YouTube पे, YouTube आपके चैनल को परमानेंट डिलीट कर देगा। तो कंटेंट क्रिएटर्स को ये समझ लेना चाहिए अच्छी तरीके से कि अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन वायलेट करते हैं तो अब आपके चैनल पे स्ट्राइक नहीं आएगा, और ये सारे रूल्स जो हैं ये 25 फरवरी से YouTube लागू कर देगा, यानी इसी महीने की 25 तारीख से YouTube इस सारे रूल्स को लागू करने वाला है। पहला रूल ये था YouTube का कि अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन को वायलेट करते हैं, कम्युनिटी गाइडलाइन से छेड़खानी करते हैं, ऐसे में कोई उल्टी सीधी वीडियो बना के डालते हैं अपने चैनल पे, तो पहले आपके चैनल पे स्ट्राइक आ जाता था, लेकिन अब स्ट्राइक नहीं आएगा, अब आपके पास पहले वार्निंग आएगी कि आपने ऐसे ऐसे कम्युनिटी गाइडलाइन के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है, कम्युनिटी गाइडलाइन को आप वायलेट कर रहे हैं, तो आप अपनी वीडियो को फौरन डिलीट कर दीजिए और जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ये जो है कुछ चेंजेस YouTube ने अपने गाइडलाइंस में, कम्युनिटी गाइडलाइन में किए हैं और ये नया स्ट्राइक सिस्टम बनाया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक सिस्टम क्या है और ये किस तरह से काम करता है और उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने जितने भी कंटेंट क्रिएटर दोस्त हैं उन सबके साथ, ताकि उन्हें पता चल सके कि नया रूल YouTube में अपडेट हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप लोगों को मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।